लीनियर रिग्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है और ये सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है, सुपरवाइज के अंडर में आती है और ये रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम में आता है। यहां पर हम प्रिडिक्ट करते हैं जो कॉन्टिन्यूस, मतलब डिस्क्रीट नहीं होगी, ध्यान रखिए, कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम लाइन फिटिंग कर रहे हैं, बेस्ट लाइन फिट कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। यदि एक ही सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज किया आपने, तो इसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। यदि एक या एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा कह लीजिए, उसे हम तब कहेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मैं एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल लाइन इक्वेशन देखिए, वाई इक्वल्स एमएक्स प्लस सी। इसमें एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, वाई वही वैल्यू लेगा जो एक्स, एम और सी पर डिपेंड करती है। ठीक है जी, वाई पूरी तरीके से डिपेंडेंट एक्स पे है। अब अगर मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी, वाई इक्वल्स से एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, प्लस और कितना भी बढ़ा लीजिए आप किसी भी एक्स तक, और एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दीजिए, एरर भी हो सकती है, वाई इंटरसेप्ट भी हो सकता है, तो एक्स वन एक्स टू आ गया ना, यहाँ पर एक से ज्यादा हो गए, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन ना होकर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल। और जो m2 या m1 है, ये कोएफिशिएंट्स है, वो बताते हैं कि कितना पावर x2 या x1 को आप दे रहे हैं, राइट? इसे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कह रहे हैं। हम जो बेस्ट लाइन फिट ड्रॉ करना चाहते हैं, यहां पर क्या होता है, एक लाइन के तहत डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनके बीच में एक रिलेशनशिप हम स्थापित कर लेते हैं, और फिर अब हम बता सकते हैं कि आगे कोई वैल्यू अगर आप हमें देंगे तो हम बता सकते हैं कि उसकी करस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंट वैल्यू क्या हो। जैसे आपकी एज हो गई, प्राइस हो गया, सैलरी हो गई, सारे कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आएंगी, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको इसमें। तो यहां पर आप एक डायग्राम देखिए, बल्कि ग्राफ है, यहां पर दो वैल्यूज दिख रही हैं, एक सैलरी है, एक एक्सपीरियंस है। तो सैलरी डिपेंडेंट है एक्सपीरियंस पे, ज्यादा एक्सपीरियंस पे ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो सैलरी डिपेंडेंट एक्सपीरियंस पे, तो सैलरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सपीरियंस कितना भी हो सकता है उसी हिसाब से सैलरी डिसाइड होगी, तो एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर यहीं पे आप एक्सपीरियंस के साथ कुछ और भी जोड़ दें, जो मतलब आपका पढ़ाई लिखाई भी जोड़ दें, एजुकेशन भी जोड़ दें, तो वो दूसरी चीज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हर एक वैल्यू के लिए दूसरी वैल्यू हमें मिलती है, मतलब एक्स के लिए वाई वैल्यू मिली है, तो हम ये प्लॉट करते हैं सारी वैल्यू, और उस प्लॉट करने पर एक लाइन ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं जो मैक्सिमम पॉइंट को कवर कर ले। आपको जैसे ये डेटा अगर मिला, तो एम्प्लॉय सैलरी का ऐसा एक्स और वाई डेटा मिलेगा, और इस एक्स वाई को आप प्लॉट करेंगे, और फाइनली जब सारा वैल्यू आ गई, तो ऐसी लाइन को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करे या मैक्सिमम पॉइंट के करीब हो। तो अगर आपसे पूछा जाए, भाई ये बताइए 4 पॉइंट या 5.7 पे क्या एक्सपीरियंस पे क्या सैलरी होनी चाहिए, आप बता सकते हैं यहाँ पे। यही काम होता है लीनियर रिग्रेशन का। जैसे मैंने कहा वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, थोड़ा और जनरलाइज कर देता हूँ इसको, वाई इक्वल्स बी जीरो प्लस बी वन एक्स प्लस ई। ठीक, तो इसमें आप बी जीरो को, जैसे वाई इक्वल्स बी जीरो प्लस बी वन एक्स प्लस सी, तो इसमें आप वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी मैंने आपको बताया था, तो बी वन को आप एम मान लीजिए, यानी जो इस लाइन का एक्स एक्सिस से टेन थीटा है, बी जीरो को आप वाई इंटरसेप्ट मान लीजिए, ये लाइन जहां पर वाई पे इंटरसेक्ट करेगी, ई एक एरर हो सकता है, जीरो जीरो भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू चाहिए होगी ना आसपास इसको जोड़ने के लिए। तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लेकिन आपको ये सब अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ध्यान रखिए, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, जहां पर एक एक्स आपका एक एक्स वेरिएबल है और एक्स पे वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स से ज्यादा वैल्यू हो गई, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो वो मल्टीपल रिग्रेशन हो, ठीक है, वहां पर मल्टीपल लाइन्स मिल जाएंगी आपको, और फिर उसके बाद आप फिट कर सकते हैं उसको। तो वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स बी जीरो प्लस बी वन एक्स प्लस ई। अब देखिएगा वाई डिपेंडेंट है एक्स पे, ये वाली जो लाइन है इसी को सिग्मोइड के साथ जोड़ दीजिए फंक्शन के साथ, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बन जाएगा।